सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि अभय सिंह चौटाला जी ने भव्य बिजनौर को समर्थन देने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैंने आज सुबह सबसे पहले पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करी और खुल करके कहा कि 10 साल के कांग्रेस के कुशासन को और इस 5 साल की भाजपा की सरकार को, जिस 10 साल में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को बर्बाद किया और जिस भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में जहां बर्बाद किया वहां किसान को लूट लिया, व्यापारी का व्यापार खत्म कर दिया, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार छीन लिया, ऐसे लोगों के खिलाफ आप एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में डाल करके इन लोगों को सत्ता से बाहर करो। अगर ऐसे लोग सत्ता में रहे जो प्रदेश को जलाने का काम करते हैं, जो आपस में मिलकर के राज्यसभा के चुनाव के अंदर गड़बड़ियां करते हैं, ऐसे लोगों को तसल्ली कराने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में अपना वोट डाल करके 10 की 10 सीट जिताने का काम करो। ये अपील मैंने सुबह करी। अभी मैं रास्ते में देख रहा था एक लाइव इंडिया चैनल का एक वो बना करके लोगों उस पर डाल रखी थी और एक इसी तरह से मेरे ख्याल खबरें अभी तक का कुछ ऐसा बना के उस पर डाल रखी थी, एक कोई और चैनल पे भी लिख रखा था। हमारा किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं, हमारे 10 के 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। ये जो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलाई है, मैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाऊंगा और कहूंगा प्रशासन से कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर बैन होना चाहिए। ये खबर किसी और की चलाई हुई नहीं है, ये खबर उन्हीं लोगों की चलाई हुई है जो आज हाशिए पे आके खड़े हो गए, जिनका आज दिवालिया पिट गया। आज वो कहीं मुझे बदनाम करने के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बदनाम करने के लिए इस किस्म के अच्छे हथकंडों पे उतरे हुए हैं जिनकी जमानतें नहीं बचेगी। जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गद्दारी करी, जिन लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी से हाथ मिला रखा है, ये उन्हीं लोगों का काम है। सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि अभय सिंह चौटाला जी ने भव्य बिजनौर को समर्थन देने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैंने आज सुबह सबसे पहले पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करी और खुल करके कहा कि 10 साल के कांग्रेस के कुशासन को और इस 5 साल की भाजपा की सरकार को, जिस 10 साल में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को बर्बाद किया और जिस भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में जहां बर्बाद किया वहां किसान को लूट लिया, व्यापारी का व्यापार खत्म कर दिया, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार छीन लिया, ऐसे लोगों के खिलाफ आप एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में डाल करके इन लोगों को सत्ता से बाहर करो। अगर ऐसे लोग सत्ता में रहे जो प्रदेश को जलाने का काम करते हैं, जो आपस में मिलकर के राज्यसभा के चुनाव के अंदर गड़बड़ियां करते हैं, ऐसे लोगों को तसल्ली कराने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में अपना वोट डाल करके 10 की 10 सीट जिताने का काम करो। ये अपील मैंने सुबह करी। अभी मैं रास्ते में देख रहा था एक लाइव इंडिया चैनल का एक वो बना करके लोगों उस पर डाल रखी थी और एक इसी तरह से मेरे ख्याल खबरें अभी तक का कुछ ऐसा बना के उस पर डाल रखी थी, एक कोई और चैनल पे भी लिख रखा था। हमारा किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं, हमारे 10 के 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। ये जो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलाई है, मैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाऊंगा और कहूंगा प्रशासन से कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर बैन होना चाहिए। ये खबर किसी और की चलाई हुई नहीं है, ये खबर उन्हीं लोगों की चलाई हुई है जो आज हाशिए पे आके खड़े हो गए, जिनका आज दिवालिया पिट गया। आज वो कहीं मुझे बदनाम करने के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बदनाम करने के लिए इस किस्म के अच्छे हथकंडों पे उतरे हुए हैं जिनकी जमानतें नहीं बचेगी। जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गद्दारी करी, जिन लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी से हाथ मिला रखा है, ये उन्हीं लोगों का काम है।